हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट, यूपीपीसीएस, सीसैट, यूपी पुलिस और आरओ और यूपीएसआई। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है हिंदी की वर्णमाला और विराम चिन्ह है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 52 दिया हुआ है और हिंदी में ध्वनियों के वर्ण के दो प्रकार दिया है, एक व्यंजन और एक स्वर और एक व्यंजन दिया। तो स्वर में देखिए दोस्तों कितने हैं, स्वर में कुल 11 हैं। तो कौन कौन है, अ है दोस्तों, आ है, ई है, और फिर इसके बाद बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि है, ए है, बड़े ए है, ओ है, अ है दोस्तों, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए मात्रा के आधार पे क्या है दोस्तों, मात्रा के आधार पे, तो देखिए मात्रा के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है हास स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हास स्वर में कुल कितने होते हैं, 4। हास स्वर में कितने होते हैं, 4, और दीर्घ स्वर में कितने होते हैं, 7। तो देखिए दोस्तों, जो हास स्वर में 4 होते हैं वह है अ, ई, ऊ, ऋषि है। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रिक है। और यहां पर देखिए दीर्घ स्वर में कितने होते हैं, 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो मात्रा उच्चारण काल के आधार पर द्विमात्रिक है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, द्विमात्रिक जो होते हैं वे द्विमात्रिक आपके भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल द्विमात्रिक और एक संयुक्त द्विमात्रिक। तो सजाती संधि स्वर देखिए क्या होते हैं, अब इसमें देखिए आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, और संयुक्त दीर्घ स्वर में क्या होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अयुगवाह, अयुगवाह कौन कौन होते हैं, अह, अहा, वर्णों की संख्या यहाँ पे 2 है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए व्यंजन में। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 है। कितनी है दोस्तों, 39। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 39। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उच्छिप्त द्विगण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ मूल व्यंजनों की संख्या जो 33 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अब देखिए दोस्तों, क वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ। क वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, कंठ बोलेंगे। तो कंठ क, ख, ग, घ, अंग, इसमें 5 संख्या है। च वर्ग को हम तालव्य से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तालव्य। च, छ, ज, ज, इ, 5। ट वर्ग को क्या बोलेंगे, मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ड, 5। त वर्ग को क्या बोलेंगे, दंत। त, थ, द, द, न, 5। प वर्ग को क्या बोलेंगे, ओष्ट। प, फ, ब, भ, म, 5। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितना है दोस्तों, 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अंतस्थ व्यंजन कितना है, य, र, ल, व, 4। उष्मक व्यंजन कितना है, श, श, ह, 4 है। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। कितनी है दोस्तों, 33। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या, छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 है। उत्क्षिप्त द्विगण व्यंजन की संख्या कितना है, ड, ड, 2 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 39। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 39। हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है, 52। फिर मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अयुगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39। और टोटल कितना है, 52, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं, यहां पर देखिए स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण देखिए, स्वर किसे कहते हैं, पहले जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोधक के तथा बिना किसी दूसरी वर्णों की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, उच्चारण में लगने वाली स्वर मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक हास स्वर, एक लघु स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर, एक स्वर। तो हास स्वर में देखिए दोस्तों क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, हास स्वर कहेंगे। ये 4 होते हैं, अ, ई, ऊ, ऋषि, 4। अब देखिए दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, 7 होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। इसमें क्या होता है देखिए, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, 4 है। यहाँ पे देखिए संधि स्वर क्या है, वे स्वर जो दो स्वरों की संधि से मेल खाते हैं, जैसे ई, ऐ, ओ, औ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम इधर आते हैं,
अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों उसको हम बता रहे हैं। यहां पर देखिए हिंदी कंठ की ध्वनि को क्या बोलते हैं, अ आ क वर्ग और ह विसर्ग। कंठ वर्ण क्या होता है, आ ह अ विसर्ग होता है। कंठ ध्वनियां क्या होती है, क ख होती है। कंठ वर्ण क्या होता है, अ होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ है। क्या है, कंठ। इसके बाद देखिए व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, च छ ज झ ञ। च छ ज झ का उच्चारण तालु से होता है। स का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तालव्य ध्वनि स से होता है। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है, तालव्य होती है। ई बड़ी च छ ज झ ञ स आदि का उच्चारण किससे होता है, तालव्य से होता है। य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किसी व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य झ से होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ञ व्यंजन है, तालव्य है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। हिंदी की स ध्वनि क्या है, तालव्य है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, मूर्धन्य है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। ड का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। हिंदी का मूर्धन्य ध्वनि क्या है, ट ट ड ढ ड। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है, स दंत है, स तालव्य है, स मूर्धन्य है। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या है, यहां पर थ किस वर्ग का व्यंजन है, दंत, अरे दंत 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 वर्ण का है, त थ द ध न। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर दंत, जिन उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, दंत। अगला देखिए दंत ध्वनि क्या होता है, त थ द ध न ल स। दंत ध्वनि क्या होता है, ल स। त का उच्चारण होता है दंत से। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां प फ ब भ म। हिंदी की ध्वनियां कितनी है, ओष्ठ ध्वनि है। और फिर इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी की ब ध्वनि क्या है, ओष्ठ ध्वनि से है। इसके बाद देखिए प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ वर्ण में कौन सा है, उ बड़ा उ है, अप वर्ग है। अंशतः वर्ण क्या है, य र ल व है दोस्तों। अर्धस्वर कहलाता है, य व आता है। स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। उच्चारण की दृष्टि से स श व्यंजन किस प्रकार के, उष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन क्या है, श श ह। उष्म व्यंजन कौन से है, श श। अगला देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन आपका है क धन श छत्र। त्र किन वर्णों के संयोग से, त धन र त्र। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, ज धन इय ज्ञ। संयुक्त व्यंजन है स धन र श्र। संयुक्त व्यंजन है छत्र ज्ञ स्र। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। अगला देखिए दोस्तों श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, श्र और र वर्णों को। कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है, क 1 3 5 वर्ण अल्प प्राण है। अगला देखिए व्यंजन अल्प प्राण है, च 1 3 5 वर्ण अल्प प्राण है। अल्प प्राण व्यंजन देखिए दोस्तों क्या है, ग 1 1 3 5 वर्ण अल्प प्राण है। व्यंजन महाप्राण है दोस्तों, ठ 2 4 वर्ण उसमें व्यंजन है। 2 4 का मतलब दूसरा वर्ग चौथा वर्ग। अगला देखिए दोस्तों महाप्राण ध्वनियां व्यंजन में कौन से संबंधित है, दूसरा और चौथा। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन। कौन सी ध्वनि महाप्राण है दोस्तों, ख घ झ। महाप्राण व्यंजन कौन सा है, भ। सभी महाप्राणों का वाला समूह क्या है, ख च ठ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। अगला देखिए दोस्तों यहां पे यहां पर देखिए शुद्ध कथन क्या है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परस्पर से भिन्न हो गया है, जिसमें कंठ वर्ण छ संयुक्त व्यंजन है। ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है, स। अघोष वर्ण है, क ख च ट थ थ प फ स श। अघोष वर्ण कौन सा है, स। अघोष वर्ण कौन सा है, प। अघोष कौन सा घोष है, च। कौन सा वर्ण अघोष है, क। सघोष वर्ण है प्रतीक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ। हम सभी ग घ ड ज झ ढ ड द ध न भ म य र ल व सभी स्वर हैं। घोष वर्ण कौन सा है, ज। सघोष वर्ण कौन सा है, व। अयुग वाह कौन सा है, अनुस्वर और विसर्ग। और हिंदी विषय के कुल वर्ण लिपियां हैं 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं, अयुग वाह। हिंदी वर्णमाला में अ अ क्या होता है, अयुग वाह। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, अह। हिंदी वर्णमाला में अयुग वाह कौन सा है, अह अह। वह कौन है, दंतोष्ट है। क्या दोस्तों, दंतोष्ट। प्रसन्नता शब्द ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, दंतोष्ट है। ध्वनि की कौन सी दंतोष्ट है, वह है। व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है, च छ झ झ।
अगला देखिए ड ढ ध्वनि के विषय में कथन सत्य है, मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अनुनासिक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, वर्ग की पंचम क्षार। अघोष अल्प प्राण कौन सी है, क उत है। कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन झ है। कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, दो, अल्प प्राण महाप्राण। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण अठो अरे ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से भ वर्ण कौन सा विशिष्ट है, दंतोष्ट स्पर्श अल्प प्राण घोष निरानुनासिक। क व्यंजन के विषय में सही है, अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ कंठ और ध्वनि। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए आपका पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने में कौन से पांच स्वीकार किए गए हैं, स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। र र प्लस म का रूप क्या है, मर्म। कौन सी देवगिरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ध्वनि। व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ट। अगला देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, वर्ष। दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, व। प्र में क्या है, प्र में पूर्ण वर्ण है र पर धन प्र। जब एक ही ध्वनि की द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियां। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, ज। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में, क च प द। कौन सा व्यंजन संघर्षी है, ह। र का विवरण है, वस लुंठी सघोष अल्प प्राण व्यंजन। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ल। स्पर्शी व्यंजन कंठ कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि ख। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्णों में बांटा गया है, दो। हिंदी वर्ड में छ से ड के ठीक बीच कौन सा अक्षर है, अ। अंशतः और उष्म कितने हैं, य र ल व। और देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, हिंदी शब्द में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, छ। काकल्य वर्ण कौन सा है, ह। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि की कौन सी वर्गीकरण है, संपृक्त ध्वनि। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया कहला वर्ण विच्छेद। वह व्यंजन है अंतस्थ। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ल। र ढ को कहा जाता है विकसित वर्ण। च च ज स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। पक्षी में कितने व्यंजन है, तीन। इसके बाद देखिए वर्णों के कितने भेद हैं, दो। हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क। निम्न शब्द में र व्यंजन है, मात्र मूर्धन्य क्रम। सही कथन है, य र ल ध्वनि का अर्ध स्वर कहलाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों।